एनफोर्समेंट में कोऑपरेट करें। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महुआ मंडी में बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंडी परिसर सहित अन्य स्थानों पर बृहद रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। वहीं विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर निगम के कर्मचारियों ने व्यापारियों का सहयोग करते हुए गंदगियों का निस्तारण भी किया। सर, इसे ब्लैक के रात में मंडी चला जाएगा पहले मास्क लगाइए। क्यों लेबर से मास्क नहीं है सर? तो पैसा नहीं है, आप मास्क को दीजिए पहले। आपकी दुकान सामने खड़े हैं ना, जिम्मेदारी नहीं है आपकी? सबको दीजिए मास्क। ये क्या है, ये भी देखिए, ये गमछा नहीं चलेगा, मास्क लगाना बता दे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, आज लॉकडाउन है, आज वीकेंड लॉकडाउन है, तो उसी क्रम में मंडी समिति के आढ़तियों ने ये फैसला किया था स्वयं से कि वो अपनी दुकान स्वेच्छा से बंद करेंगे। तो उसी क्रम में आज मंडी समिति का निरीक्षण किया गया और देखा गया कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो अधिकांश दुकानदारों ने दुकान बंद की हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मंडी में साफ सफाई कार्य भी आज के दिन कराया जा रहा है, विस्तृत स्तर पर जो पीछे चल रहा है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का भी कार्य कराया जा रहा है, तो हम लोग पूरी मंडी को सैनिटाइज कराएंगे और साफ सफाई आज के दिन कराएंगे, और बंदी होने से इस काम में और आसानी रहेगी और कल से फिर मंडी जो है निर्धारित समय पर खुलेगी। सर, मास्क लगाने के लिए भी हिदायत दी गई लोगों? हाँ, कुछ यहाँ पे जैसे हरी सब्जियों के जो कंसाइनमेंट होते हैं वो पहले से चले होते हैं दूसरे स्टेट से, तो वो आज आए हैं, तो कुछ दुकानदार उसको खोल के अंदर रखवा रहे हैं, तो इनको सख्त हिदायत दी गई है कि इसके बाद अपनी दुकान बंद कर लें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोई भी आदमी का बिना मास्क मिलता है तो उसके खिलाफ चालान कार्रवाई की जाएगी। पहले हिदायत दी गई है, सब दुकानदारों को भी कहा गया अपने 100-200 मास्क रखे रहें ताकि उनके लेबर्स को और वो स्वयं भी मास्क लगाए रहें।